Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat. This is Ravi और आज के सेशन में we are going to learn about decodables. इस वीडियो में मैंने एक ऐसी ट्रिक शेयर की हुई है जिसे आप यूज करके अपना कोडिंग टाइम सेव कर सकते हो. आज के सेशन में जो कुछ भी कोड होगा वो ऑलरेडी गिटहब और गूगल ड्राइव पे अपडेटेड है. एंड इफ यू नीड द कोड तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मैंने मेंशन की हुई है. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द कोड फॉर यू. सो दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द टुडेस सेशन. As a Swift programmer, एक चीज जो आप commonly करोगे आपके iOS application में and that is going to be API parsing. और API parsing एक ऐसा topic है जो मैंने already मेरे कुछ examples में cover किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक dedicated video भी बनाया हुआ है कि आप की Swift में आप API parse कैसे करोगे. So इस session में what we are going to do is we are going to learn कि हम लोग ऐसा क्या modern techniques use कर सकते हैं to parse our API and make our code more stable and more cleaner. So in this particular session what I'm going to do is I have an API that is the employee API. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल सा API है. आपको एक employee का record ये throw करता है with some common entries like ID, name, role, etc. So यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि I have a piece of code. मेरे पास एक structure है employee का which is having a function called as get employee data. And inside this function आप देख सकते हो कि जो code है वो काफी familiar लगना चाहिए. That is I'm using a URL session. And in this URL session what I'm doing over here is I'm passing it an employee API URL, which is nothing but what you have seen over here. और यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई error नहीं है, response data nil नहीं है, उसका count is not equal to zero, then what I want to do is I want to start parsing my response over here. तो previously in all the previous session what we have seen is कि response को parse करने के लिए what I used to do is I used to use this particular class which is JSONSerialization. लेकिन आज के session में मैं JSONSerialization का use नहीं करके JSONDecoder use करूँगा. जेसन डिकोडर यूज करने के लिए मुझे एक और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा. दैट इज आई हैव टू यूज ए स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्स और जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स है दैट इज गोइंग टू बी दिस गाय. तो यहाँ पे जितने भी आपके की वैल्यू पेयर्स हैं जैसे आई डी इज अ की एंड वन इज द वैल्यू. सो वट आई एम गोइंग टू डू इज बेस्ड अपॉन दैट फॉर्मैट मैं अपना स्ट्रक्चर बनाऊंगा. That is, I will have ID and department ID, which is going to be int. I would have salary, which is going to be double. And I will have name, role, joining, work phone. ये सभी value string हैं. यहाँ पे एक चीज notice करने वाली ये है कि जो भी मैंने variable के name declare किए हुए हैं वो as it is मेरे JSON object से match करते हैं. राइट तो ये चीज का एक ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन एवर यू आर डिक्लेयरिंग अ रिस्पांस स्ट्रक्चर. और यहाँ पे रिस्पांस स्ट्रक्चर को मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू से दिस इज इनहेरिटिंग फ्रॉम अ प्रोटोकॉल और उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं डिकोडेबल. एंड व्हाट एंड कोई भी स्ट्रक्चर जब डिकोडेबल प्रोटोकॉल से इनहेरिट करता है और आप उसे आपके एपीआई के कोड में यूज करते हो तो स्विफ्ट को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इट हैज टू डू सम मैपिंग. और वो मैपिंग क्या करता है, वो मैपिंग ये करता है कि आपका जो आईडी डिपार्टमेंट आईडी है इट विल लुक एट द रिस्पांस एंड इट विल ट्राई टू मैप आईडी विद दिस गाय. उसी तरीके से वो सैलरी को मैप करने को देखेगा विद द सैलरी ओवर हियर. एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आपके कीज है यहाँ पे, जैसे आपके कीज डिफाइंड है यहाँ पे, जैसे कि सैलरी है, वर्क फोन है, आप उसी फॉर्मेट में आप आपके स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो, नहीं तो स्विफ्ट को पता नहीं चलेगा. अगर आपने जॉइनिंग का जे कैपिटल लिखा है और यहाँ पे आपके फॉर्मेट में जॉइनिंग का जो जे है वो स्मॉल में है तो स्विफ्ट इसे इग्नोर कर देगा बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव. जो मैपिंग होती है इंटरनली दैट इज केस सेंसिटिव एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी तरीके से आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर करें जिस तरीके से आपको यहाँ पे जेसन की कीज मिल रही है. आपके रिस्पॉन्स की जो कीज है उसी तरीके से आप आपके वेरिएबल डिक्लेयर करें. So right now what I'm going to do is I am going to write decoder equals to JSON decoder. और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि let result is equals to, मैं decoder को बोलूँगा कि मुझे कुछ decode करना है of the type employee response, क्योंकि आप employee service को parse कर रहे हो तो definitely जो response आएगा वो employee response आएगा. So you will say employee response dot self from data.
यू वुड से रेस्पॉन्स डेटा, क्योंकि रेस्पॉन्स डेटा में ही आपका सर्वर से आपको रेस्पॉन्स मिलने वाला है, एंड दैट रेस्पॉन्स इज गोइंग टू बी दिस जेसन. अब आपको यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो डीकोड है वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्राई यूज़ करें. और क्योंकि आप यहाँ पे ट्राई यूज़ कर रहे हो, अगेन एज अ क्लीन कोड प्रैक्टिस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज डू कैच. आई विल कट दिस, आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, और कैच में आई वुड से लेट एरर डीबग प्रिंट error occurred while decoding which is equals to error dot localized description. I will add some spaces so that hum dekh sake ki chal kya raha, and eventually what I'm going to do is I'm going to say debug print. Abhi aap dekh sakte ho ki jo result hai ye automatically isne employee response le liya, and the reason is कि आप डीकोडर को कमांड कर रहे हो कि आपको कुछ डीकोड करना है इनटू द टाइप एम्प्लॉय रिस्पॉन्स. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड द बेनिफिट ऑफ दैट इज आई कैन डू समथिंग लाइक दिस डिपार्टमेंट डॉट नेम, सॉरी रिजल्ट डॉट नेम. सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड रन दिस. आई वुड से ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, एंड आई वुड से ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय डेटा. कोई आउटपुट नहीं है, दिस मीन्स ओके. अभी एक और बार रन करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको रेस्पॉन्स आ चुका है, एंड दैट इज कोडकैट विच इज द नेम. एंड इफ यू लुक एट द एपीआई आप देखोगे जो नेम है इट इज कोडकैट 15. तो यहाँ पे स्विफ्ट ने क्या किया कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर में डिकोडेबल यूज करते हो तो आपका जो एपीआई का डेटा आता है उसे स्विफ्ट इंटरनली मैप कर देता है. तो इस यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो नेम है, जो नेम का डेटा है विच इज कोडकैट 15, इस स्विफ्ट ने उसे इंटरनली इस वेरिएबल के साथ मैप कर दिया. एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये जो स्ट्रक्चर है इट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम डिकोडेबल. सो आई कैन ओवरऑल मेक अ कंक्लूजन ऑफ डिकोडेबल इज दैट कि एक ही लाइन में आपका जो भी आपको जो भी पार्स करना है वो आप पार्स कर लेते हो, आपको कोई डिक्शनरी यूज करने की जरूरत नहीं है. अब इस मेरे इस कोड से मैं अगर ये रिजल्ट रिटर्न करता हूँ तो आई कैन द बेनिफिट ऑफ दैट इज आई कैन यूज दिस रिजल्ट एज एन ऑब्जेक्ट. मैं डॉट नेम या फिर डॉट जॉइनिंग इस तरीके से यूज करके मैं अपने कोड को और बेटर बना सकता हूँ, बिकॉज ओवर हियर आई एम नॉट रिटर्निंग अ डिक्शनरी और एन एरे, मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ. सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड रन दिस वन मोर टाइम. और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जॉइनिंग डेट भी प्रिंट होता है. अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये टेस्ट करना है कि क्या सही में जो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर रहा हूँ वो क्या सही में केस सेंसिटिव है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से जॉइनिंग का जे कैपिटल कर देते हैं, एंड जॉइनिंग का जे कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस एंड आई एम गोइंग टू रन दिस. सो अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग एन एक्सेप्शन, एंड द मैसेज इज द डेटा कुडंट बी रेड बिकॉज इट इज मिसिंग. और इसका मतलब ये है कि स्विफ्ट जब जॉइनिंग का रिकॉर्ड इंटरनली मैप करने गया तो जो रेस्पॉन्स आ रहा है आपके सर्वर से उसको कहीं पे भी जॉइनिंग नहीं मिला विद अ कैपिटल जे. सो दिस मीन्स दैट दीज आर रियली केस सेंसिटिव. सो इसलिए यू हैव टू रिवर्ट देम बैक टू स्मॉल जे. और जब भी आप इसे रन करोगे, नाउ यू कैन सी दैट द जॉइनिंग डेट इज कमिंग फाइन. बट देर आर सिनारियोस जहां पे होता क्या है कि आपका जो एपीआई रेस्पॉन्स जो टीम है वो आपको आपके रेस्पॉन्स में अंडरस्कोर करके रिटर्न करती है. जैसे कि इन दिस केस व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से द जॉइनिंग ओवर हियर इज जॉइनिंग अंडरस्कोर डेट, द डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी. सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड सेव इट, एंड नाउ व्हेन आई रन दिस तो आप देख सकते हो यहाँ पे जॉइनिंग अंडरस्कोर डेट आ रहा है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी आ रहा है. सो ऐसे सिनारियोस में देर आर टू थिंग्स विच यू कैन डू. नंबर वन इज आप यहाँ पे डायरेक्टली अंडरस्कोर लिख सकते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड थिंग्स. लेकिन अगर जैसे ही आप ऐसे अंडरस्कोर लिखते हो तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एज पर वेरिएबल डिक्लेरेशन. आप यहाँ पे ऐसे अंडरस्कोर नहीं लिख सकते जैसे कि अंडरस्कोर डॉट जॉइनिंग अंडरस्कोर डेट या फिर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, बिकॉज इट डजेंट लुक गुड. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो व्हाट स्विफ्ट ऑफर्स यू, वो ये बोलता है
कि आप आपका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आप मेंटेन करके रख सकते हो. आप सिर्फ मुझे इतना बोल दो कि जो भी आपने कस्टम लिखा हुआ यहाँ पे, इन दिस केस जॉइनिंग है, डिपार्टमेंट आईडी, हमें ये पता है कि अभी हमने जॉइनिंग और डिपार्टमेंट आईडी को चेंज कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जॉइनिंग अंडरस्कोर डेट आ रहा है एंड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी आ रहा है. तो स्विफ्ट आपको सिर्फ इतना बोलते है कि आप मुझे बता दो कि इस प्रॉपर्टी में, दैट इज जॉइनिंग एंड डिपार्टमेंट आईडी में, मुझे कौन सी कीज को मैप करना है. सो व्हाट यू डू इज, लेट मी फिनिश द कोड एंड देन आई विल एक्सप्लेन. यू विल यूज कोडिंग कीज एंड यू विल से कि स्ट्रिंग कोडिंग की, और आप यहां पे बोलोगे कि जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको आपको मैप करना है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी के साथ, और जो जॉइनिंग है उसे आपको मैप करना है जॉइनिंग अंडरस्कोर डेट के साथ, और जो बाकी के केसेस हैं जैसे कि आईडी है वो सेम रहेगा, एंड सैलरी है वो सेम रहने वाली है, एंड ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम. लेट मी गेट आउट ऑफ जॉइनिंग. सो ये सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, सिर्फ चेंजेस जो है यहाँ पे आने वाले हैं कि आप स्विफ्ट को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि कोई भी अगर की आती है दैट इज डिपार्टमेंट आईडी, तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी अगर आपको की मिलती है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, उसे आपको डिपार्टमेंट आईडी के साथ मैप करना है. जो जॉइनिंग अंडरस्कोर डेट की अगर आपको मिलती है, अगर आप जेसन पार्स करते हो तो अगर आपको जॉइनिंग अंडरस्कोर डेट नाम की मिलती है तो उस की को आपको जॉइनिंग के साथ मैप करना है. लेकिन बाकी के केस में ऐसा कुछ नहीं करना है. आईडी के केस में आईडी रहेगा, सैलरी के केस में सैलरी रहेगा, एंड सो ऑन. इस केस में मैं एक और चीज करके बता सकता हूँ आपको कि लेट से आईडी को मैं अगर एम्प्लॉय आईडी लिखता हूँ, सो इन दिस केस आई कैन इजीली से कि जो एम्प्लॉय आईडी है उसे मैप करना है आपको आईडी के साथ. यानी कि जेसन को डिकोड करते वक्त अगर आपको आईडी नाम की फील्ड मिली तो उसकी मैपिंग आपको करनी है एम्प्लॉय आईडी के साथ. ये आप स्विफ्ट को एक्सप्लिसिटली बता रहे हो. सो लेट्स सी हाउ दिस थिंग वर्क्स. तो मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा, I would say एक बहुत ही अच्छा मैसेज डालते हैं. I would say employee ID is equals to, I would say result dot employee ID, और यहाँ पे joining date and department ID, say belongs to department. I would say result dot department ID whose joining date is, I would say result dot joining. अभी से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है. So let me run this. So यहाँ पे आप देख सकते हो employee ID is 1, belongs to department 1115, whose joining date is equals to जो भी यहाँ पे डेटा है. तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग कीज आपने क्या किया, आपने स्विफ्ट को एक्सप्लिसिटली बोला है कि अगर पार्सिंग करते वक्त इफ़ यू एनकाउंटर जॉइनिंग अंडरस्कोर डेट तो प्लीज़ इसकी इंटरनल मैपिंग इस प्रॉपर्टी के साथ करो. अगर आपको डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी मिलता है तो उसकी मैपिंग डू इट विद दिस प्रॉपर्टी. अगर आपको आईडी मिलता है देन प्लीज़ उसको इंटरनली इस प्रॉपर्टी के साथ मैप कर दो. तो यहाँ पे कितना ईजी हो जाता है कि एक ही लाइन में आपका जेसन पार्स हो जाता है एंड यू गेट एन ऑब्जेक्ट जिसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ बाइंडेड रहता है, ऑलरेडी मैप्ड रहता है. सो दिस इज द पावर ऑफ डिकोडेबल. अभी आपके एपीआई में सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न हो रहा है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द एपीआई. अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जेसन डिक्शनरी रिटर्न हो रही है. सो लेट्स डू दिस. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कॉपी दिस, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट, एंड ओवर हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस एज एन एरे. यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगा, आईडी एंड एवरीथिंग. सो आई वुड से रवि प्रोग्रामर, आई वुड जस्ट से 15, डिपार्टमेंट आईडी इज द सेम एंड सैलरी इज 15, वर्क फोन नंबर इज ओके. अभी मैं इसे सेव करूंगा एंड नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस आप देख सकते हो कि आपको एक एरे रिटर्न हो रहा है विच इज हैविंग मल्टीपल डिक्शनरीज. तो ये सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं डिकोडेबल यूज़ कर सकता हूँ
And the answer to that is, all you have to do is this. And eventually यहाँ पे आपका जो code है वो change हो जाएगा, क्योंकि जब पहला जो result return हो रहा था it was just a single entity, लेकिन क्योंकि अभी ये collection है, so if you can see result is an array of employee response. So what you have to do is you have to say debug print, and you can say, or not debug print actually, आप यहाँ पे एक for loop run कर सकते हो. I would say for employee in result, I can say debug print is employee dot name. अभी मैं इसे run करूँगा, so we should see two name over here. One is codecat 15 and the other is Ravi. And what I can do is I can return this result and I can make use of this result. और यहाँ पे previously होता क्या था कि मैं dictionary return करता था, so I had to do something like this कि जो भी dictionary होता था उसमें I would say name. And this was okay previously, but right now with decodable, I think it makes more sense to return an object like this rather than a dictionary or an array. So ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पे आप डिकोडेबल यूज करके आपके कोड को और बेटर बना सकते हो. आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन में आपका जेसन पार्स हो जाता है. प्लस द एडवांटेज कि आपको एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है रादर देन एन एरे और डिक्शनरी. इस एग्जाम्पल में जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स था वो काफ़ी, आप देख सकते हो कि इसके पास कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज थी, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये सब टाइप करते गया. बट लेट से अगर आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जहाँ पे यू थिंक दैट कि आपके स्ट्रक्चर में 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, सो वॉट यू कुड डू इज देर इज़ अ साइट विच इज़ कॉल्ड एज app.quicktype.io. इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन की हुई है. एंड वॉट यू कैन डू ओवर हियर इज कि आपका जो भी जेसन रेस्पॉन्स रिटर्न करती है आपकी API, आप उसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और वो एक स्विफ्ट कोड आपको रिटर्न करेगा. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज लाइक आई विल पेस्ट इट. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, एंड दिस इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई हैव शोन इन द डेमो राइट नाउ. सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप टाइम सेव कर सकते हो. आप यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना होगा कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा, एंड ये जो वेरिएबल नेम है ये यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. सो दिस वे यू कैन सेव सम टाइम. यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि दिस स्ट्रक्चर इज इनहेरिटिंग फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज कोडेबल. ये कोडेबल होता क्या है ये हम हमारे आने वाले सेशंस में देखेंगे. सो फॉर राइट नाउ इफ आई लुक एट माई कोड, मैं अभी भी मेरे कोड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ. आई थिंक मैं अपने कोड को और बेटर इम्प्रूव कर सकता हूँ, और आने वाले सेशंस में मैं डेफिनेटली इसे इम्प्रूव करूँगा, एंड टुगेदर विल सी कि हम हमारे कोड को और कितना बेटर बना सकते हैं, कितना रियूजेबल बना सकते हैं और कितना रोबोस्ट बना सकते हैं. इस वीडियो के पार्ट टू में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्विफ्ट के वेरियस फीचर्स यूज करके हमारे कोड को और भी ज्यादा क्लीन बनाते हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब. दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. Have a nice day and happy iCoding. Bye-bye.